हेलो दोस्तों, डग आउट 360 से मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। लाहौर में बारिश हो रही है इस वक्त, तो हमने सोचा कि आपको एक अच्छी खबर दें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और वो अच्छी खबर ये है कि एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को तजवीज़ किया था, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। और इस हवाले से जो सरकारी तौर पर ऐलान है वो आइंदा चंद रोज़ में मतवक्को है। और अब इस खबर के साथ ये होगा कि अब एशिया की जो बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान का दौरा करेंगी। और कहा यह जा रहा है कि लाहौर के अंदर 4 से 5 मैचेस खेले जाएंगे, भारत की टीम यहाँ नहीं आएगी। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके साथ साथ नेपाल की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगी। और उसके बाद जो अगला राउंड होगा, जिसके कभी इम्कानात ये हैं कि वो UAE में खेला जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हुई तो उन्होंने ये बताया हमें कि BCCI ने रابطہ किया बाकायदा तौर पर, जो उनके जे शाह है सेक्रेटरी, उन्होंने नजम सेठी के साथ रابطہ किया और उन्होंने गो अहेड दिया है जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था। क्योंकि पहले इब्तदाई तौर पर भारत की तरफ से जो इनकार आ रहा था कि वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए, तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया था। पहले इब्तदाई तौर पर ये था कि कुछ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेल लिए जाएँ और जो बकिया मैचेस होंगे वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेल लिए जाए, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों को तहफ़ुज़ात भी थे। फिर वो दोबारा से रिवाइज़ किया गया हाइब्रिड मॉडल, और उसके अंदर लॉजिस्टिक्स के मामलों को क्लियर किया गया, और फिर जो गर्म मौसम के हवाले से UAE के ऊपर जो इतराज़ात आ रहे थे उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दी। तो अब सूरत हाल ये है कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है, और ये इजलास कहा यह जा रहा है कि ऑनलाइन होगा, जूम मीटिंग के ऊपर तमाम जो सरबरा हैं, जिसके अंदर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव हैं, उसके अलावा नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, फिर BCCI के जो जनरल सेक्रेटरी और ACC के जो सदर हैं जे शाह, और फिर इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और नेपाल और अफगानिस्तान के जो सरबरा हैं वो जूम मीटिंग के ऊपर इकट्ठे होंगे और फैसला किया जाएगा कि जो दूसरी न्यूट्रल वेन्यू है वो कौन सी है। अब देखना यह है कि UAE के ऊपर हतमी फैसला होता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि गेट मनी सबसे ज़्यादा UAE से इकट्ठी होती है, क्योंकि वहाँ पर एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट के अंदर, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के भी काफ़ी सपोर्टर्स वहाँ पर आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की भी बड़ी सपोर्ट है वहाँ पर, और पाकिस्तान की तो है ही वहाँ पर। तो इस हवाले से अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में ये फैसला आता है या फिर जो दीगर मेंबरान है वो तहफ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वेन्यू श्रीलंका हो सकती है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर मौसम अच्छा है, और सिर्फ एक वजह ये है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहफ़ुज़ात हैं, वहाँ पर गेट मनी के तौर पे पैसे ज़्यादा नहीं इकट्ठे होंगे, क्योंकि श्रीलंका में हमने देखा है कि ग्राउंड ज़्यादातर फुल नहीं होते, लोग वहाँ पर ज़्यादा क्रिकेट देखने नहीं आते। तो इसी वजह से PCB का ये इम्प्रेशन था, और वो ज़ोर भी ये दे रहे हैं कि UAE के अंदर ये मैचेस हो जाएं, या फिर इंग्लैंड की भी एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है, लेकिन इंग्लैंड की ऑप्शन किस हद तक मुमकिन हो सकती है इसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उसके लॉजिस्टिकली काफ़ी अखराज आ जाते हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल इस पोजिशन के अंदर है कि वो अपना जो टूर्नामेंट है वो किसी ऐसी जगह पर करे कि जहाँ पर लॉजिस्टिक्स के और जो खाने पीने के और जो रहाइश के सारे मामलात हैं और इसके अलावा प्रोडक्शन के जो मामलात हैं वो आसानी से हल हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डग आउट 360 आप देखते रहें, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।